आज की दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी काफ़ी समय से मांग आ रही थी, तो आज हम आपके लिए यह वाली वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग, क्योंकि काफ़ी जगह पर ये स्पॉट वेल्डिंग काम आता है। तो यह वाला जो वीडियो है ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है और आप भी इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग बना सकते हो। बाकी जैसा कि आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, मेरे पास ये ड्रिल वाला बिट है, इसको यह बिल्कुल लाल कर रहा है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट है। वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है। ये दोस्तों मैंने अपने लिए बनाया है क्योंकि जब भी हम लिथियम बैटरी बनाते हैं तो उसके ऊपर जो निकल की पत्ती रहती है उसको हम स्पॉट वेल्डिंग से ही वेल्डिंग करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो यह दोस्तों बनाएंगे कैसे, इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए। यह वाला जो ट्रांसफार्मर है मैंने लिया है एक पुराने इन्वर्टर में से निकाला हुआ। यह वाला दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट साइन वेव इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसका जो बॉबन रहता है इसके अंदर दो अलग अलग वाइंडिंग रहती है। वैसे तो हर एक ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग ही होती है, लेकिन जो इसका बॉबन है इसके अंदर ही पार्टीशन की जाती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जिसको हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और दूसरी जहां से हमें एसी सप्लाई आउटपुट में मिलती है। तो जहां से हमें आउटपुट में सप्लाई मिलती है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो यह वाली जो वाइंडिंग है पहले कंपनी की गई, इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो इसके तकरीबन 7 से 8 वोल्टेज होते हैं, क्योंकि यह साइन वेव का ट्रांसफार्मर है, साइन वेव इन्वर्टर का। तो यह वाली वाइंडिंग हमने निकाल दी है और जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम बिल्कुल सेफ रखेंगे, क्योंकि वो हमने वही रखनी है। इसको हम सीधे करंट दे देंगे 220 वोल्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर खाली हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक मोटी कॉपर की वायर लगाएंगे, जहाँ पर मैं दोस्तों आपको दो तरीके दिखा रहा हूँ। कई बार आप गलती कर बैठते हो, तो आपसे गलती ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों मैंने पहले लगाई है 10 mm की वायर। जितनी वायर हम मोटी लगाएंगे उतना ये हमें करंट ज़्यादा देगा, जो वोल्टेज है वो सेम ही रहेंगे क्योंकि इसकी हमने सिर्फ दो टर्न ही लगानी है। तो यह वाली जो दोनों वायर है इसको मैं एसी 220 वोल्ट जो मेन सप्लाई हमारे घर में होती है वो दे रहा हूँ। तो दोनों वायर का जॉइंट लगाने के बाद हम इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे देंगे जो हमारे घर में सप्लाई रहती है। तो मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अब मैं आपको इसका जो लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज है और कितना करंट है। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। इसके अंदर काफ़ी कम वोल्टेज रहेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने सिर्फ दो टर्न ही लगाई है और इसके 1.5 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अगर हम टर्न की गिनती ज़्यादा करते चले जाएंगे तो वोल्टेज भी ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम इसको इस तरह से शॉर्ट करेंगे आगे से दोनों वायर तो ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसलिए आपने इसको सिर्फ दो टर्न ही लगानी है। और उसके बाद मैं इसका लाइव टेस्ट आपको दिखाता हूँ। ये एक सर्जिकल ब्लेड है और आप देखेंगे कितनी जल्दी इसको ये मेल्ट कर रहा है, बिल्कुल लाल करके उसको मेल्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर करंट काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों इससे आगे हम क्या करेंगे कि इसके आगे बिट लगाएंगे। यह वाली जो दोनों बिट है ये कॉपर की बिट होती है और सोल्डर आयरन की बिट है, 30 वाट का सोल्डर आयरन है उसकी बिट है। और आगे से हम एक पेंसिल की तरह इसको शार्प कर लेंगे, क्योंकि जितना शार्प रहेगा उतना ही ये सही रहेगा। और जो इसकी बैक साइड है इसको भी मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर हम एक 10 mm की वायर को सोल्डर करेंगे। वोल्टेज कम होने की वजह से इसको हम लूज कनेक्शन कहीं से भी नहीं रख सकते,
जहाँ पर भी हम ज्वाइंट लगाएंगे या तो उसको सोल्डर करेंगे या फिर नट बोल्ट से इतना टाइट कर देंगे कि कहीं से भी कनेक्शन लूज ना रहे, क्योंकि जहाँ से भी कनेक्शन लूज हो गया उसके बाद जो आपकी वेल्डिंग मशीन है स्पॉट वेल्डिंग मशीन यह काम नहीं करेगी। तो वेल्डिंग सेट हमारा तैयार हो चुका है स्पॉट वेल्डिंग। अब हम इसको एक बार वेल्डिंग करके देखते हैं किसी भी पत्ती को। स्पार्क देखें, स्पार्क आ चुका है और जो इसके अम्पेयर हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 अम्पेयर ये लेगा जब हम वेल्डिंग करेंगे, तो उस समय ज़्यादा बिजली ये नहीं खाता। तकरीबन आप मानकर चलें कि 200 से 300 वाट के अंदर अंदर ये रहेगा। और इसके बाद मैं आपको जहाँ पर एक लोहे की पत्ती के ऊपर जो लिथियम सेल के ऊपर निकल पत्ती रहती है इसको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। वेल्डिंग हो चुका है लेकिन यह वाला वेल्डिंग इतना पक्का नहीं है क्योंकि यह टूट चुका है। इसका क्या कारण है, मैंने जैसा कि वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि जो गलती आप करोगे उसको मैं पहले से ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों जो हमारी लाल वायर है ये 10 mm की है, इसकी जगह हम ये 25 mm की मोटी वायर लगाएंगे। पहली वायर हमने निकाल दी है जो हमने इसमें वाइंडिंग लगाई थी सेकेंडरी 2 टर्न की, तो इसकी भी हम सिर्फ और सिर्फ 2 टर्न ही लगाएंगे, ज़्यादा हम इसको नहीं लगाएंगे। क्योंकि जितनी पहली तो बात के उसमें जगह ही नहीं है इतनी कि आप इसके बाद 1 टर्न भी लगा सकें, तो इसके अंदर सिर्फ 2 टर्न ही लगेंगी। ना आपने 1 टर्न लगानी है, ना 3 ना 4, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर आप ज़्यादा इसके अंदर टर्न लगाओगे तो जब आप वेल्डिंग करोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पार्क होगा, जिसकी वजह से जहाँ पर आप वेल्डिंग करोगे वो सामान ख़राब हो जाएगा। अगर हम इसको बाज़ार में लेने जाते हैं तो ये हमें तकरीबन 15,000 रुपये के आसपास मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर बॉडी वगैरह लगी रहती है। इसके बाद हम इसको वेल्डिंग करके देखते हैं। ये देखें, मैंने एक बार ही स्पार्क इसको लगाया और यह पूरी तरह से फिक्स हो चुका है क्योंकि पहले से करंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पहले जहाँ पर थी 10 mm की वायर उसकी जगह हमने 25 mm की वायर लगा दी है। वोल्टेज इसके सेम रहेंगे लेकिन करंट इसका ज़्यादा हो चुका है। जो ट्रांसफार्मर है आपने कम से कम 800 VA से ऊपर का लेना है। अगर आप 600 VA का ट्रांसफार्मर लगाओगे तो आपको जो करंट की आउटपुट है वो भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना आप ज़्यादा VA का ट्रांसफार्मर लगाते चले जाओगे तो जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी जो वायर गेज है वो मोटी लगी है, जितनी मोटी वायर गेज लगेगी उतना जो करंट है इसका वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि 800 VA से ऊपर का ही ट्रांसफार्मर लगाएं, और दूसरी कोशिश कि आप साइन वेव का लगाएं क्योंकि इसके अंदर बॉबन के अंदर पार्टीशन की जाती है पहले से ही। तो उसके बाद मैं आपको जहां पर ये वेल्डिंग करके दिखाता हूं। जिस काम के लिए हमने ये बनाया था वो हमारा काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। तो आज की दोस्तों वीडियो जहां पर ही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।